Hey guys, welcome to my new vlog. तो अभी मैं आ चुकी हूँ काले आम पे, काली चरण समोसे वाले के यहाँ पर, समोसे खाने के लिए. यहाँ पे सबसे ज्यादा जो फेमस है इनके समोसे और इनका ब्रेड पकौड़ा है, तो मैं वही खाऊंगी और आपको बताऊंगी कि उसका टेस्ट कैसा है. चलो तो मेरे साथ चलते हैं. अभी ना यहाँ पे ब्रेड पकौड़े बन रहे हैं, देख सकते हो आप पीछे. यहाँ पे मैं दिखा भी देती हूँ आपको कि ब्रेड पकौड़े ऑलरेडी स्टफिंग करके रखे हुए हैं भैया ने, और ये बेसन में लपेटा और ये यहाँ पे तल रहा है. भैया क्या क्या डलता है इसमें? पनीर है, मसाला आता है, सावन मसाला आता है, पीसते हैं. ओके, तो यहाँ पर अभी समोसे सीखे. ये जो भी मैंने तेल दिखाया था जिसमें भैया छन्नी से निकाल रहे हैं, उसमें पहले तला हुआ कुछ रह जाता है थोड़ा थोड़ा, तो इसमें अब समोसे तले जाएंगे. अंदर से आ रहे हैं अभी समोसे, मैं दिखा देती हूँ आपको. साथ में. अच्छा, ये दुकानदारी के ऊपर बात होती है कि 50-100? हाँ हाँ. और आधे दूसरी दुकान पे गए भैया. तो भैया क्या क्या होता है इसमें समोसे के अंदर, इस क्या क्या डालते हो आप? मसाले हो गए मैडम, आलू होता है, मटर होती है, हरी मिर्च होती है, अदरक होता है, होता है, और मसाले में होता है, दोनों नमक होते हैं, धनिया होता है, काली मिर्ची होती है, गरम मसाला होता है. और ऐसे ही सेम ब्रेड पकौड़े का होता है जी. ब्रेड पकौड़े भी सेम, पकौड़े का भी सेम यही होता है, सेम मसाला समोसे वाला ही होता है ब्रेड पकौड़े का, बस उसमें बेसन हो जाता है. वो भी ऐसे ही फ्रेश बनता रहता होगा कस्टमर की डिमांड पे. उतना ही बेसन बोलते हैं, अपना जो है अपना चने की दाल अपने मंगाते हैं और उसको घर पर पिसवाते हैं, पिसवाने के बाद उसी बेसन को यूज करते हैं, बाजार का बेसन इस्तेमाल नहीं करते. अच्छा, सब कुछ आपका अपना घर का ही होता है, बाजार का कुछ नहीं होता. बाजार का वैसा थोड़ा ना रहता है, इसीलिए वो थोड़े अलग बनते हैं, इसीलिए ज्यादा फेमस है. काजू है और इसमें क्या अलग है जो ये इतने फेमस है अंकल? बहुत मसाले होते हैं, इसीलिए सबसे अलग बनते हैं. गरम मसाला है, जैसे कि धनिया है, सौंठ है, काला नमक है, वाइट नमक है, और एकदम फ्रेश होते हैं. अपना ही मसाला. ओके, तभी ये इतने फेमस है. देख सकते हो समोसे तल रहे हैं भैया जी, समोसे तल रहे हैं. भैया दुकान कितने बजे से कितने बजे तक खुलती है ये? दुकान खुलती है सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, और फिर उस बीच में कंटिन्यूस बेसिस पर आपके ये तलते रहते हैं समोसे, जैसे जैसे कस्टमर आते रहते हैं उस हिसाब से. जिस तरीके से कस्टमर आते हैं उस हिसाब से तलते रहते हैं. और माल कितना तैयार होता है सुबह? मैदा वगैरह मट्टी है या ताजी भी मट्टी रहती है? ताजी मट्टी रहती है, ना तोल का ऐसा नहीं है जी हमारे यहाँ पे. जैसे जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे अंदर माल तैयार होता रहता है, ताजा माल तैयार होगा तुरंत और बनता है. फिर देख सकते हो आप यहाँ पे बनते हैं समोसे और बाहर जाके फिर तले जाते हैं. सेम यहाँ पर ब्रेड पकौड़े बनते हैं, बट ब्रेड पकौड़े अभी फिलहाल बन नहीं रहे क्योंकि कस्टमर की डिमांड नहीं है. जैसा कि आपको बताया कि ताजे ही बनते हैं और ताजे ही फिर सिकने के लिए जाते हैं, तो बस यहाँ भी समोसे की डिमांड है तो समोसे बन रहे हैं. आप देख भी सकते हो काफी ज्यादा क्वांटिटी में समोसे बन भी रहे हैं, काफी एक्सपीरियंस वाले लोग बैठे हैं, देख भी सकते हो आप. कितने होंगे अंकल ये? 50 होंगे. सो ये हमारा ब्रेड पकौड़ा है जो लग चुका है, बिल्कुल तैयार हो चुका है, हरी चटनी और लाल सॉस डाल के.
अब इसे खाते हैं हम, साथ ही साथ समोसा भी आ चुका है गरम गरम एकदम कढ़ाई में से निकल के। ये भी हरी चटनी और लाल सॉस डाल के तैयार हो चुका है। अब दोनों टेस्ट करके बताते हैं। समोसा ब्रेड पकौड़ा दोनों चीजें लग चुकी हैं मेरी, दोनों की सेम चटनी है। तो मेरे पास ब्रेड पकौड़ा है और एक जगह है समोसा। आपका ब्रेड पकौड़ा जो आता है वो 25 रुपए का आता है और जो आपका समोसा है वो 15 रुपए का एक पीस आता है। तो मतलब अगर आप अलग अलग भी खाते हो, अगर एक ब्रेड पकौड़ा खाओगे या अलग एक समोसा भी खाओगे उससे पेट भर जाएगा, क्योंकि आप इसकी क्वांटिटी देख सकते हो। और जो इनकी सॉस है आप देख सकते हो, मतलब जो मीठी वाली चटनी होती है उसमें देखो कितने सारे ड्राई फ्रूट्स डाले हुए हैं, ये देख सकते हो आप। जैसा कि देख सकते हो आप, इसमें पनीर का पीस भी है। ब्रेड पकौड़े में भी पनीर होता है, आपका समोसे में भी पनीर होता है। येरा मैं दिखा भी देती हूँ, काफ़ी गर्म हो रहा है, काफ़ी येरा पनीर देख सकते हो आप, येरा गिर गया है इसमें पनीर। और ड्राई फ्रूट्स भी ये लोग यूज़ करते हैं जैसे कि इन्होंने बताया। तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा है। ठीक है, सबसे पहले मैं समोसा टेस्ट कर लेती हूँ कि समोसा कैसा है आपका। समोसा बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है, काफ़ी क्रंची है, कम ऑयली है। जैसे लग रहा था वहाँ पे कितना तेल में फ्राई हो रहा है, तो अच्छी तरीके से तेल भी निचोड़ के देते हैं। साथ ही साथ सारी जो सब्जियाँ हैं जैसे कि आलू, मटर और आपका पनीर, सभी चीज़ों का अच्छी तरीके से टेस्ट आ रहा है। तीखा भी नहीं है, कम स्पाइसी है, काफ़ी अच्छा ऑल ओवर समोसा काफ़ी अच्छा है, क्रंची भी है। अब आ जाते हैं आपका ब्रेड पकौड़ा। ब्रेड पकौड़ा भी काफ़ी अच्छा है, मुझे ब्रेड पकौड़ा ज़्यादा पसंद नहीं है, बट ये ब्रेड पकौड़ा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप खाओगे इसे आपका पेट भर जाएगा इजीली, 25 रुपये में आप अपना पेट भर सकते हो यहाँ पे। और इसमें भी जो सारी सब्जियाँ हैं वो बिल्कुल सेम है, दोनों में सेम सब्जियाँ होती हैं और आपका सेम ही चटनी वगैरह होती है, हरी चटनी, लाल सॉस सब सेम होता है। हाय भैया, आपका नाम क्या है? आपका नाम पीयूष है। तो भैया ये जो दुकान है आपकी काली चाय, ये कितने टाइम से है यहाँ पर? 42 वर्ष पुरानी ये दुकान, इतनी पुरानी दुकान यहीं पे है हमेशा से? एक से पुरानी आगे वाली है, तो दूसरी है। अच्छा, इससे पुरानी आगे है, तो छोटी वाली है। ये अभी खुली है जल्दी, कितना टाइम हो गया इसे? 2-3 साल हो गया पहले वहीं से काम चल रहा है। ठीक है, तो भैया आप यहाँ पर कब से बैठना शुरू करा है आपने यहाँ से? क्योंकि आप बता रहे हैं 40-45 साल पुरानी दुकान है, तो बड़े बुजुर्ग बैठते होंगे आपके पास। पीढ़ी दर पीढ़ी वाला काम बढ़ते चला गया। भैया यहाँ पे ये जो टाइमिंग रहती है दुकान की, क्या टाइमिंग रहती है? 7:30 बजे खुलती है, समोसे 8-8:30 बजे तक तैयार हो जाते हैं। और रात में? रात 8:30-8:30 बजे तक, मतलब बाई चांस अगर 9 बजे आपका नसीब है तो मतलब बंद कर देते हैं 8:30-8:30 बजे के बाद। तो जो भी ये माल तैयार होता है बिल्कुल फ्रेश होता है, कोई भी रखा हुआ नहीं होता पुराने उससे, मतलब जो आपके दादा वगैरह यूज करते थे मसाले वगैरह, जो ट्रिक वो यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से काली चाय का फेमस है, आज भी वही यूज़ होता है। हमारे जो है ना मसाले ऐसे हम साउथ से लाते हैं, दाल धनिया काली सब लाते हैं, अपने यहाँ चक्की लगी हुई है, मैं मतलब अपने हाथ से काम में कुछ कोई मिलावट नहीं, कुछ नहीं, अपने हाथ से पीसते हैं, अपने हाथ से मिलाते हैं। भैया ये लोकेशन क्या पड़ती है? जो लोकेशन है ये डीएम रोड है, और जो पुरानी दुकान है वो पुलिस लाइन पर, ये डीएम रोड है। भैया हमें समोसा और ब्रेड पकौड़ा हमें बहुत मज़ा आया। तो गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर आप चाहते हैं समोसा ब्रेड पकौड़े का टेस्ट लेना तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। बाय बाय गाइज।